नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की, जहां आरएसएम कॉलेज में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा पोस्टर प्रतियोगिता एवं शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर राकेश कुमार और संयोजन डॉक्टर रवि धनकर ने किया। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेविकाओं के अतिरिक्त कॉलेज के अन्य छात्र एवं छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। निर्णायक भूमिका में प्रोफेसर रश्मि शर्मा रावल, प्रोफेसर पूनम घई, प्रोफेसर अमित कुमार सिंह और प्रोफेसर अलका राय रहे। पोस्टर प्रतियोगिता में स्मिता पटेल ने प्रथम स्थान, शिवानी अहलावत ने द्वितीय स्थान और संयुक्त रूप से रूबी राजपूत, नीरज सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रवि धनकर ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों में 60% लोग 15 से 29 के बीच की उम्र के होते हैं, इसलिए विभिन्न प्रतियोगिता के माध्यम से हम छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों से अवगत कराते हैं। इस तरह बहुत हद तक हम सड़क दुर्घटना को रोक सकते हैं। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर राकेश कुमार ने प्रतियोगिता में विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया और सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की समाप्ति पर राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी ने छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा पर शपथ दिलाई। कार्यक्रम में चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर शिवराज सिंह, डॉक्टर ओपी मौर्य, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर मदन पाल सिंह, डॉक्टर हिमांशु त्रिपाठी, डॉक्टर विवेक यादव, डॉक्टर कौशिक प्रसाद, डॉक्टर देवेश पाठक, डॉक्टर आकाश, डॉक्टर विनय दुआ आदि शिक्षक मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।